यूएनए की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। यानी कि हम अपने पड़ोसी देश चाइना को एक मामले में तो पछाड़ दिए, अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गए हैं, यानी कि चाइना अब हमसे इस मामले में तो पीछे हो गया। ये ऐसे तो बहुत खुश होने का विषय नहीं है। जनसंख्या के मामले में अगर हम अपनी पीठ थपथपाएं तो ये मेरी मूर्खता है। साथियों, मैं बताऊं कि इस समय वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जबकि चाइना की जनसंख्या 142.56 करोड़ ही है। यानी हम उससे जनसंख्या के मामले में आगे हो गए हैं। यानी करंट अफेयर के हिसाब से आप लोग जान लीजिए कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जाना जाएगा। हां, इस मामले में जरूर है कि हमारे यहां युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो 0 से 14 एज ग्रुप के 25% लोग हमारे भारत में रहते हैं, जबकि 10 से 19 वर्ष के 18% लोग हमारे भारत में रहते हैं, 10 से 24 एज ग्रुप के 26% लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, 15 से 64 वर्ष के 68% लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, और 65 से ऊपर के 7% लोग हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या की बात की जाए तो आज के डेट में पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है, यानी कि हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है दुनिया में। अब बात चिंतन करने की है। सवाल यह बनता है कि क्या इस बिंदु पे हमें खुश होना है या हमें चिंतन करना है। निश्चित रूप से साथियों, जनसंख्या के मामले में अगर हमारी बढ़ोतरी होती है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है, और हम परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि आप मेरी इन लाइनों को, मैं पहले भी साथियों जनसंख्या पर एक रचना अपनी कर चुका हूं, मैं पहले भी शासन प्रशासन को आगाह किया है कि अगर जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जनसंख्या कानून नहीं लाया गया, तो देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। मैंने लिखा है कि जल्दी कर तू विचार, नाही होई बंटा धार, तो हर बुद्धि हेराई जन सैलाब पाई, कितनो बढ़ी रोजगार फिर भी कम पड़ी जाई, जैसे ऊंटवा के मुंह में जीरा राई होई हो, जब तक जनसंख्या पर ना विचार होई हो, भैया मोदी जी कैसे बेड़ा पार होई हो। तो मैंने लिखा है, और निश्चित रूप से इस लाइन पर विचार करना पड़ेगा, वरना आज हमारे देश की जो स्थिति वर्तमान समय में है कि हम जो है अपने रोजगार को लेकर के, यानी हर चीजों को लेकर के अगर हमें सशक्त बनाना है तो निश्चित रूप से जनसंख्या पे विचार करना पड़ेगा। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस बात पे जरूर अमल होना चाहिए कि नहीं, आज जो ये रिपोर्ट आई है ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हमें इस पर विचार करना है। और देश के साथ ही साथ हम देशवासियों से भी आग्रह करेंगे कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है। देश की सेवा ये भी है कि आप बच्चे कम पैदा करें, आप हमारा
अगर हम आप मिल करके और कोई दिशा देश को नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। और निश्चित रूप से आज ये सभी देशवासियों के लिए, सरकार के लिए ये चिंता का विषय है कि हम अपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें, सरकार भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करे और हम देशवासी भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और मोदी जी, अगर आप जनसंख्या कानून लाते हैं तो हमें उम्मीद है कि सहर्ष तरीके से पूरे देशवासी इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे और उसके अनुरूप ही चलेंगे। इसलिए कि मैंने इसके लिए भी कहा है कि करीना विरोध नहीं कोई प्रतिशोध, सभे चाहे भलाई देशवा केरे मोरे भाई, हर्ष खुशियां व वैभव सोचा अरे के न चाही, हर्ष खुशियां व वैभव सोचा के न चाही, देश भक्ति तो हर सजे स्वीकार होई हो, जब तक जनसंख्या पर ना विचार होई हो। भैया मोदी जी कैसे बेड़ा पार होई हो। तो साथियों, देश को, सरकार को, देशवासियों को, हम सभी को मिलकर के इस रिपोर्ट पे विचार करना है और यथाशीघ्र अपने निर्णय भी लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।